हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, सावन चल ही रहा है इस समय, और सावन में हाथों में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। सभी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेहंदी लगाना। तो मैं कुछ सिंपल से डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी कुछ हेल्प मिले। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे तो मेहंदी तो अब तो हर सीज़न में सब लोग लगाते हैं, लेकिन सावन में कुछ ज़्यादा ही सबको देख के, या फिर कुछ उस टाइम का मौसम ही ऐसा होता है कि मन करता है हरी चूड़ियाँ पहनो या मेहंदी लगाओ। तो जिस तरीके से हरी चूड़ियाँ पहनना पसंद है, उसी तरीके से मेहंदी लगाना ही बहुत अच्छा लगता है। और अब फेस्टिवल भी आने वाले हैं इधर, हरियाली तीज और नागपंचमी, और राखी पे भी लगाते हैं मेहंदी। तो बस उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ डिज़ाइंस लेके आई हूँ। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए मेहंदी के डिज़ाइंस को। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन है, पैरों में भी पाओजेब वगैरह पहन के डिज़ाइन मेहंदी के लगा के बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेहंदी देखिए, इसमें नेल्स भी उसी कलर के, मेहंदी के कलर की नेल पेंट लगा लीजिए तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। और ये देखिए मल्टी कलर की चूड़ियों के साथ मेहंदी हाथ में लगी हुई, कितना प्यारा हाथ लगता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत हाथ लगने लगता है मेहंदी लगाने के बाद। और ये ग्रीन नेल पेंट के साथ, तो इजी और सिंपल डिज़ाइन है जो कि अपने आप भी बन जाती हैं, या फिर आप किसी से लगवा लीजिए। तो मैं देख देख के भी कभी कभी कोशिश करती हूँ लगाने की, या फिर किसी से लगवाती हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस ये सारे हैं, और कई बार सावन में मेहंदी लग जाती है, एक बार हरियाली तीज में, फिर उसके बाद नागपंचमी तो दो ही तीन दिन बाद होती है, फिर राखी पे भी लगती है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।